हेलो एवरीवन, आज हम लोग कनेक्शन चैप्टर पे बात करेंगे। कनेक्शन चैप्टर स्टील स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है कनेक्शन। कनेक्शन जो है, इट इज एन अरेंजमेंट टू कनेक्ट टू स्टील मेंबर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। ये दो स्टील मेंबर को जोड़ने का एक तरीका है, जिसमें कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास टू स्टील मेंबर है। अब एक स्टील मेंबर ये मान लिए, एक प्लेट है स्टील का, और एक स्टील मेंबर ये मान लिए। अब इस दोनों स्टील मेंबर को मुझे क्या करना है ना कि इसको जोड़ना है। अलग अलग है ये स्टील मेंबर, अब इसको जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि या तो हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, या इसको जो है रिवेट कर सकते हैं, या बोल्ट कनेक्शन के द्वारा में हम इसको एक कनेक्शन बना सकते हैं दो प्लेट का। अब दोनों अलग अलग प्लेट है। अब हम लोग सबसे पहले इस पर क्या करेंगे ना कि जैसे कि हमारा है रिवेट कनेक्शन, इसको बनाना है। तो रिवेट कनेक्शन बनाना है, जैसे हमारा बट रिवेट वाला बनाना है कनेक्शन। तो मान लेते हैं हमें एक प्लेट ऊपर से दे दिए और इसमें क्या किए, एक रिवेट बनाए, इसमें हमारा एक रिवेट लगाए। एक रिवेट कनेक्शन, ये जो हमारा कनेक्शन है ये रिवेट कनेक्शन है। तो जो कनेक्शन चैप्टर है ये एक अरेंजमेंट होता है कि आप इस दो स्टील मेंबर को जोड़ने का एक तरीका होता है, जिसमें कि हम लोग या तो रिवेटेड कनेक्शन या वेल्डिंग है या बोल्टेड कनेक्शन है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग के पास अगर जो अरेंजमेंट है, तो ये जो फॉलोइंग सिस्टम है जो हमारा, जैसे रिवेटेड कनेक्शन है, बोल्टेड कनेक्शन है या वेल्डिंग कनेक्शन है और पिन कनेक्शन है, जो हमारा मेन फोकस होगा वो रिवेटेड और बोल्ट और वेल्डिंग कनेक्शन ही होगा। जो हमारा जो पिन कनेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। लेकिन ये जो हमारा तीन जो है हमारा ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग इसको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो होता है हमारा पिन कनेक्शन ये लेस इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे रिवेट कनेक्शन। तो अब रिवेट कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपने आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जिसमें कि हम लोग 0.66 FY लेते थे, तो अब इसमें जो है हमारा देखेंगे कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना जो है आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं बनेंगे। जैसे आपके पास रॉड वगैरह दिया रहता है, बार वगैरह दिया हुआ है, और उस बार का जो है आपको एक ग्रेड दिया हुआ रहता है, जैसे Fe250 दिया हुआ है, तो आपको ग्रेड दिया हुआ है उसका जो है परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू अगर जो आपको निकालना है, तो उसमें जो है जैसे ग्रेड आपको दिया हुआ है Fe250, तो ये जो 250 है ना ये आपका Fy हो जाता है, ये वैल्यू आपका Fy हो जाता है। और अगर जब परमिसिबल स्ट्रेस की अगर जो आपको वैल्यू चाहिए Fe250 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि 250 × 0.6 करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग इस तरीके से बोले 0.6 FY, ये Fy की वैल्यू इसमें पुट करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू होगी। अब जो इसमें एक चीज और भी देखने वाली बात यह है कि आप ये जो है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस एक्चुअली है क्या। अब उससे पहले आता है स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट सेक्शनल एरिया होता है हमारा। जैसे मान लीजिए अब इसमें जो है स्ट्रेस की वैल्यू तो आपको पता है, जैसे हमारा एक ब्लॉक है, एक बॉक्स ले लिए, एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये जो ये क्या करेगा ना, फोर्स इस जो हमारा ब्लॉक है उस पे स्ट्रेस डेवलप कर जाएगा, जिसके वजह से हम लोग उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हैं स्ट्रेस। और अगर देखिए परमिसिबल स्ट्रेस स्टील स्ट्रक्चर में अगर जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और एक्सियल बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह और भी हमारे पास टाइप है। तो उसमें जो है सभी का जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू जो है अलग अलग निकलेगा। जैसे हमारा देख लीजिए, सबसे पहले मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है, तो मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस अगर जब मुझे निकालना है, और उसमें उस केसेस में अगर जो परमिसिबल स्ट्रेस की मुझे वैल्यू चाहिए है, और हमें ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ रहेगा, तो 0.6 और ग्रेड ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा। और इसके लिए जब आपको मैक्सिमम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस वाली केस आती है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है ना, वो 1.67 लेना है। अब जैसे मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो उसके लिए 0.6 FY, 1.67। मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस 0.66 FY, 1.515, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस
और इसका जो है परमिसेबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा 0.66 FY और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.515। अब एवरेज शियर स्ट्रेस की अगर जब बात करें तो 0.4 FY और फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में 2.50 हो जाएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर जो निकालना हो मुझे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के केसेस में परमिसेबल स्ट्रेस की वैल्यू 0.45 होगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना होगा 2.22 होगा। मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेस कितना होगा 0.75 FY मींस हमारा ग्रेड ऑफ स्टील हो जाएगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में क्या हो जाएगा 1.33। अब इस केस में हमें जैसे हमारा एक टर्म आता है जैसे एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल तो आपको पता होगा ना, जैसे एक ब्लॉक है और जैसे ये इसका लेंथ हो गया इस ब्लॉक का और ये इसका मान लीजिए ब्रेथ है, 2D फिगर है, ये L है और ये B है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ। अब जो है मान लीजिए टेंशन आपको इस फोर्स पे लगाना है तो आप क्या करोगे ना कि टेंशन होता है खींचने वाली फोर्स, जो बाहर की ओर उसका मतलब जो है इंपैक्ट बाहर की ओर रहता है उसको खींचता है। अब जैसे इसको मैं खींचू तो इस पॉइंट को पकड़कर इस साइड और इस पॉइंट को पकड़कर इस साइड अगर जब खींचता हूं तो उस टाइप का जो हमारा जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस का केस होगा। तो अब यहाँ पे एक और टर्म आता है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव का केस क्या है, जैसे ये एक है आपको इस तरीके का ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में अगर जो फोर्स लगा रहे तो क्या कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से कोई डब्बा को पकड़ के हम लोग नीचे दबाने की कोशिश करते हैं तो वो हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो जो स्ट्रेस वहां पे डेवलप हुआ वो कंप्रेसिव स्ट्रेस टाइप डेवलप हुआ। अब जो है यहाँ पे एक्सियल की बात होती है तो एक्सियल क्या है, एक्सियल मींस होता है कि आप अगर जो इससे देखो तो एक्सियल कहने का अर्थ होता है कि लेंथ वाइज जब आपका स्ट्रेस का वैल्यू जो है लेंथ वाइज इंपैक्ट करे तब एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस होगा। जैसे अगर जो इस वाले एरिया में मान लीजिए ये लेंथ है, लेंथ वाइज आपका जो है स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये जो लेंथ वाइज है बड़ा वाला जो पार्ट है आपका, लेंथ वाइज जो आपको स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। उसी तरीके से बेंडिंग तो आप लोग को सबको पता होगा बेंडिंग क्या होता है, जैसे मोड़ते हैं वो वाला बेंडिंग हो जाता है। ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस कहने की अर्थ होती है जैसे हमारे ये दो प्लेट है इसमें भी हम लोगों को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत जगह आपको निकालने के लिए आएगा, बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको इसको यूज करना होगा, शियर वर्ड बहुत जगह आने वाला है। जैसे आप देख लीजिए एक ये प्लेट है और ये एक प्लेट है, जैसे हमारा ये इसी इसमें जो है जैसे हमारा मान लेते हैं ये जो हमारा कनेक्शन किया है रिवेटेड कनेक्शन, उसमें भी हम लोगों को देखना होता है ये दोनों प्लेट जो है इस दोनों के बीच में जो है आप देखोगे ये जो गैप है यहाँ पे शियर डेवलप होता है तो ये हमारा शियर हो गया। अब उसी तरीके से हमारा जो भी है टर्म आगे हम लोग जैसे रिवेटेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, अगले लेक्चर में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन पे बात करेंगे। थैंक यू।